वाह, क्या बिल्डिंग है। मगर इस बिल्डिंग को किन किन प्रोफेशनल्स ने मिलकर बनाया, क्या आप जानते हो? नहीं तो चलिए इस वीडियो में आप जानेंगे। वर्ल्ड में सबसे वाइड और दिन ब दिन बढ़ती जा रही इंडस्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और उसके प्रोफेशनल्स, और यही प्रोफेशनल्स हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाहुबली यानी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। डायनामिक, इनोवेटिव और पैशनेट प्रोफेशनल्स जो हमेशा चैलेंजिंग और कठिन टास्क को चुटकियों में सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ इतना ही, नेचर को ध्यान में रखते हुए हमें ये ग्रीन बिल्डिंग भी देते हैं, जो कि तारीफ के काबिल है। प्रोफेशनल्स की टीम आपस में कोऑर्डिनेशन करके हर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कामयाब बनाती हैं। सबसे पहला शक्तिशाली बाहुबली जो स्टार्ट से एंड तक रहेगा वो है आर्किटेक्ट। हर क्लाइंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को समझकर आर्किटेक्ट उन्हें इमेजेस और प्लान्स की शक्ल देता है। आर्किटेक्ट अपने आइडियाज को कॉन्सेप्ट की शक्ल देता है और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की मदद से फाइनल कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स बनाता है। आर्किटेक्ट ना सिर्फ बिल्डिंग की खूबसूरती या लुक पर काम नहीं करता, बल्कि एक आर्किटेक्ट उस बिल्डिंग को फंक्शनल, सेफ और इकोनॉमिकल बनाता है। किसी भी बिल्डिंग डिजाइन पे काम करने से पहले आर्किटेक्ट को लैंड और उसकी सरफेस टोपोग्राफी के बारे में जानना ज़रूरी होता है, और वो डिटेल्स हमें अगले नेक्स्ट बाहुबली देंगे। अगले बाहुबली हैं लैंड सर्वेयर। लैंड सर्वेयर चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट प्रोफेशनल हो, ये बाउंड्रीज सरफेसेस के स्पेशलिस्ट होते हैं और लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। किसी भी ज़मीन का सर्वे करके उसके डिस्टेंसेस, डायरेक्शंस और उसके एलिवेशंस की रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जो कि आर्किटेक्ट को चाहिए। अब आर्किटेक्ट को लैंड सरफेस की डिटेल्स मिल गईं। अभी इस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को होल्ड करने के लिए आर्किटेक्ट को स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की ज़रूरत है, और ये नेक्स्ट बाहुबली देंगे। अगले हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, जो किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, लोड्स और फोर्सेस का कितना असर प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन साइट पे हो रहा ये जांचता यानी एनालाइज करता है और उसके ड्राइंग्स भी बनाता है, ताकि ये स्ट्रक्चर सालों साल यूं ही बना रहे। पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर को किसी भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन
पे काम करने के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर को सॉइल के बारे में डिटेल्स चाहिए, यानी टेस्ट रिपोर्ट्स, और ये हमारे अगले बाहुबली देंगे। और हमारे अगले बाहुबली हैं जियोटेक्निक इंजीनियर। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग भी सिविल इंजीनियरिंग का ही एक ब्रांच है। ये प्रोफेशनल्स जमीन के अंदर उसकी खूबियां और खामियों को चेक करते हैं और उनकी कंडीशन, चाहे वो मैकेनिकल हो या केमिकल, उनको इन्वेस्टिगेट करके उसकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। अभी जियोटेक्निकल इंजीनियर सॉइल रिपोर्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर को सेंड करेगा और स्ट्रक्चर इंजीनियर स्ट्रक्चर एनालाइज करके स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेगा। अभी आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन रेडी हो गया। अब इसमें हमें सर्विसेज चाहिए जो हमारे अगले बाहुबली डालेंगे। हमारे अगले बाहुबली हैं MEP इंजीनियर। M यानी मैकेनिकल, और ये हीटिंग, कूलिंग और वेंटिलेशन पे काम करता है। E यानी इलेक्ट्रिकल, और ये बिल्डिंग के सारे पावर आउटलेट्स और अप्लाइंसेस पे काम करता है। P यानी प्लम्बिंग, और ये बिल्डिंग के अंदर पानी की पाइपलाइंस और वेस्ट वाटर ड्रेन सिस्टम पे काम करता है। कहीं ये तीन इंजीनियर होते हैं या कहीं ये तीनों टास्क एक ही प्रोफेशनल कर लेता है। सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी के लिए ये सर्विसेज बहुत ही ज़रूरी हैं। अब हमारे अगले बाहुबली आने वाले हैं और वो हैं क्वांटिटी सर्वेयर। QS इंजीनियर कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन की लागत के सारे हिसाबों किताब करता है, चाहे वो न्यू कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन हो या फिर मेंटेनेंस वर्क। इन प्रोफेशनल्स की हेल्प से कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही ये सारे खर्चे और बिल्डिंग की लागत ये बता देता है। और अब आएंगे अगले बाहुबली, वो हैं साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर कंस्ट्रक्शन साइट के सारे टास्क परफॉर्म और सुपरवाइज करता है। ड्राइंग्स जो डिज़ाइन कंसल्टेंट्स से आती हैं उनको स्टडी करके एग्जीक्यूट कराता है। और आखिर में हमारे लास्ट बाहुबली वो हैं लेबर। अगर कोई मेहनत करता है तो वो है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट के लेबर्स।